आप वेलकम बैक टू नायका टीवी. यस आई एम व्लॉगिंग टुडे नॉट फॉर माय चैनल बट फॉर नायका टीवीज चैनल एंड या आई एम गोना टेक यू गाइस विद मी द होल डे. आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डे लाइंड अप टुडे. वी गोना गो डू सम शॉपिंग गेट द नेल्स डन. सो या अभी सबसे पहले हम करेंगे हल्का सा मेकअप और गर्मी बहुत है. लेट मी नो कि आप लोगों के यहाँ पे उतनी गर्मी एकदम से आ गई है क्या. बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो मुंबई में. तो मेकअप इसलिए ना हम बहुत लाइट रखेंगे एंड आई एम गोना शो यू व्हाट आई डू एंड आल्सो आई एम गोना गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप एक समर लुक क्रिएट कर सकते हो सो दैट यू नो ज्यादा स्वेटिंग ना हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो या लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट शोइंग यू व्हाट मेकअप लुक आई क्रिएट फॉर गोइंग आउट टुडे. लेट्स गो. ओके तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया और एक सनस्क्रीन भी लगा लिया है. अब मैं ले रही हूँ ये फाउंडेशन मेबलिन का और इसको इस तरीके से ना डॉट डॉट करके लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से. ब्यूटी ब्लेंडर मेरा वेट है. अच्छा मेक श्योर क्वांटिटी बहुत कम लोड. अब मैं ले रही हूँ ये कंसीलर शुगर का और इसको अपनी आईज के नीचे बेसिकली डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए और कोई भी अगर एक्ने मार्क्स हैं पिंपल्स के मार्क्स हैं उनको कवर करने के लिए वहीं वहीं पर लगा रही हूँ सिर्फ और वहीं वहीं पर उसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ. अब मैं पूरे फेस को पैक कर रही हूँ. क्रीम प्रोडक्ट्स जो हमने लगाने थे वो लगा लिए. अब इसमें वेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ मैंने अपने पूरे फेस को पैक कर दिया है. ठीक है अब हम करेंगे अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर यानी शेप और स्ट्रक्चर थोड़ा सा वापस लेके आएंगे और इस तरीके से शुगर के कॉन्टोर के साथ मैंने अपने फेस की के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वापस ले आई हूँ. अब हम यूज़ कर रहे हैं लैक्मे का ब्लश और समर लुक है प्लस दिन की लुक है डे लुक है तो इसलिए बहुत नेचुरल ब्लश लिया है मैंने. अगर समर्स के लिए मेकअप कर रहे हो सो जस्ट मेक श्योर कि पाउडर प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो ना कि क्रीम प्रोडक्ट्स. अब ये नायका की आईब्रो पेंसिल है जिससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ. अगेन बहुत नेचुरल लुक के लिए सिर्फ हल्के हल्के से गैप्स को फिल कर रही हूँ. नाउ फॉर फिक्सिंग ऑल ऑफ द बेस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन दिस मॉर्फी का सेटिंग मिस्ट. इट्स अ मैटिफाइंग सेटिंग मिस्ट. उसके बाद ये मस्कारा मैंने लिया है टू फेस्ड का. दिस इज बेटर देन सेक्स मस्कारा और इसको मैं लगा लिया. बहुत हैवी मस्कारा नहीं है एकदम से यू नो बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करता है विच गिव्स एक्चुअली अ वेरी नेचुरल लुक. उसके बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की है लैक्मे की क्रेयॉन और इसको मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया है. मैंने ना ऐसे एक्स्ट्रा जो है वो अपनी एक फिंगर की मदद से उठा लिया है प्रोडक्ट वापस. यानी कि हम प्रॉपर ऐसे लिपस्टिक नहीं लगा रहे हम ना बस एक हल्की सी शेडिंग दे रहे हैं लिप्स को. The makeup look is ready. Just look at this, how natural it looks, and it is not at all heavy. बहुत ही कम products use किए हैं, and now let's just you know do a test. इतनी गर्मी में बाहर जाके that how the makeup stays. कौन सा product fail होता है, कौन सा product pass होता है. So let's see all of that. साथ में मैंने दो सामान रख लिए हैं. एक है compact powder. और एक है ब्लॉटिंग पेपर अगर मुझे स्वेटिंग हुई कुछ भी हुआ तो. लेट्स सी हाउ इट गोज. साथ में रख लिया है देखते हैं जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है. ठीक है सो नाउ लेट्स गो आउट. भरी दोपहर में हम लोग जा रहे हैं 2:15 का टाइम हुआ है. ओके तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नेल्स करवाने के लिए. दीज आर माय नेल्स राइट नाउ. आई मीन देखने में ठीक है बट यू नो ये आगे आ गए इस तरीके से सो वी नीड टू गेट द रीफिल्स डन. ओके गाइज वी आर डन विद द नेल्स. मेकअप लुक्स वेरी गुड अभी तक तो. लेट्स सी अभी आगे जा जाके क्या होता है. लिपस्टिक का शेड भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हुआ है जबकि आई हैड अ गुआवा पंच आई हैड अ बॉटल ऑफ वाटर बट इट्स एज इट इज़. अभी तक मुझे नहीं लगता कि वापस से लगाने की ज़रूरत है. सो वी गुड टिल नाउ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड सी क्या होता है. लेट्स गो. ओके जस्ट लुक एट द धूप कड़कती हुई धूप.
Okay, I am done with my day, done with a little bit of shopping and nails ho gaye and this is it. Makeup actually na bahar chalte hain aur ekdam se natural light mein makeup ko check karte hain, phir dekhte hain. Arey yaar, lipstick bhi lagi hui hai abhi tak. Okay, let's go outside and check. Let's check the makeup here. Okay, the foundation looks just the same. Or under eyes mein bhi mere kuch khas aise wrinkles nahi pade hain. You know, wo lines wagera. The concealer is also fine. Lipstick to maine waise hi aise aise karke lagayi thi halki si. And oh my god, shade abhi tak wahi pe hai. Like if I want to touch up, I can touch up. But if I just want a little bit of shade on the lips, not a proper lipstick, then this is still good to go. And the mascara is as it is. Kahin pe bhi nahi laga hai. Eyebrows are fine and everything looks just fine, guys. Aise lag raha hai matlab abhi nikli hu, abhi ghar chalte hain. So yeah, I think this is it. मेकअप लुक तो एकदम से मतलब मस्त रही है इतनी धूप में और गर्मी में भी. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर थोड़ा सा नेचुरल मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स एंड यू नो थोड़ा बहुत बस थोड़ा सा रेडी होने के लिए थोड़ा नेचुरल लुक के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक जो प्रोडक्ट्स आज मैंने यूज़ करे हैं वो लोग आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, साथ ही साथ ये जो समर और सीधा जो सन पड़ रहा है उसमें भी एकदम टेस्ट को पास कर गए हैं. सो या दिस इज इट. नाउ आई हेड होम एंड दैट्स इट गाइज. आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड, लेट अस नो इन द कॉमेंट्स एंड या दिस इज इट. बाय बाय गाइज, बाय. डाउनलोड द नायका ऐप टू शॉप फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस वीडियो एंड लॉट्स मोर.